तो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग गाइस। मैं उठाऊ अभी अभी तो मम्मा ने कहा झाड़ू लगाओ, तो मैं मम्मा की हेल्प कर रहा झाड़ू लगाने में। तो गाइस झाड़ू लगा के अब मिलते हैं आपको। झाड़ू लगाने के बाद भाई ने कहा दही ले, तो मैं अभी अभी जा रहा हूँ दही लेने। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। दही वाले शॉप पर पहुंच गए, चलो दही लेके मिलते हैं। हमने दही ले लिया, अब चलते हैं घर। दही लेके घर पहुंच चुके हैं। आके मुझे नाश्ता मिल चुका है, ये देखें, आ जाए मूली वाला पराठा, ये खा के मिलते हैं हम आप लोगों को। पैर हो गए तो मुझे इतनी जोरों की लगी भूख, देखते हैं मम्मा मेरे लिए कुछ गर्म किया है, आए हाय हाय चावल गर्म किए हैं, आए हाय, और ये साथ बोटी, ये मैंने आप लोगों को नहीं देनी, मैंने खुद खानी है अकेले अकेले, मैं खा के मिलता हूँ चावल, हाँ साथ चाय भी है, आए हाय हाय मज़ा आएगा। मैं खाना खा लिया, ये देखो ये अब मैंने बचाया चिड़ियों के लिए, इधर चिड़िया आएगी तो वो खा लेगी। ये देखे सामने कितना कूड़ा है, ये भी हम साफ कर देंगे किसी टाइम। चिड़ियों खाना डाला के लिए आपने ऐसे करके हाथ में उठा के इधर रख देना है, वो आके खा लेगी, क्योंकि आजकल सर्दी है उनको भी भूख लगेगी ना। ये रख दिया मैंने, अब अपने हाथ धोते हैं। ये प्लेट लेके जा रहे हैं, तो हाथ वगैरह भी धोने हैं, चलो धोते हैं। अभी धो लिया, चिड़ियों को खाना भी डाल दिया, तो अब मिलेगा थोड़ी देर बाद। अभी मैं जा रहा हूँ कटलस का सामान लेने, और कटलस मैंने भी बनाने और मम्मा ने भी बनाने, हम दोनों ने साथ मिलकर बनाने, चलो उसका सामान लेने चलते हैं। आज आपको थोड़ी सी उसकी रेसिपी भी बताएंगे, तो चलो चलते हैं। कटलस के लिए करवाना था चिकन, वो चिकन हो गया, क्यों भाई चाचा हो गया। और इधर से आलू लेने थे, आलू भी ले लिया, चलते हैं। और बैटरी से दूध लेने थे पीछे, वो दूध भी ले ले, अब चलते हैं घर। मैं चीजें लेके घर पहुंच गया, जल्दी से जाके अंदर कटलस की तैयारी करें जल्दी। ये देखिए हमने आलू उबलने रख दिए, तो अभी आप लोगों को बताते हैं चिकन का क्या करना है। अभी ये देखिए आलू उबलते हैं, तो फिर बताते हैं। आलू उबल चुके हैं, धनिया काट लिया गया, और इधर चिकन उबाइल हो रहा है, तो उबाइल मम्मा क्रम बना रही है ब्रेड का। ये देखें ये क्रम बना रही है, तो ये चिकन उबाइल होकर फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। अब इसको मैश करना है, मैश करके इसमें मसाले ऐड हो गए, वो बताते हैं अभी अभी। और इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम डालना है, क्योंकि ये कटलस टूटे ना। इसमें सूखा धनिया और मम्मा डाला मुझे डाल चुके हैं मैश करके, और ये लाल मिर्च जा रही है, कितनी स्पून मम्मा, डेढ़ चम्मच, और क्या है, नमक भी, नमक आप डालने वाले, नमक है हसबे जायका, हसबे जायका कम हो तो डाल। और ये जीरा, जीरा एक चम्मच, डेढ़ चम्मच डाल दी। और ये धनिया अब ऊपर बिछा दीजिएगा। अभी इसमें करना चिकन ऐड, अभी वो चिकन ऐड करना, वो बॉइल हो रहा है, ये चिकन बॉइल हो चुका है। अब मम्मा इसमें पीसेस करके डाल रही है, छोटे छोटे पीसेस करके डाल देने हैं, तो चलो ये डाल के फिर मिलते हैं। तो गाइस बहुत काम था, तो मैंने कहा मैं अंडे मैश कर देता हूँ, क्योंकि ये क्रम उसके ऊपर लगने हैं टिक्कियों के, तो मैं मैश करता हूँ। ये मैंने अंडे मैश कर लिए, और मम्मा ने मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं कबाब का, अब ट्राई करते हैं इसको कैसा बना है। मज़ेदार, मम्मा बहुत मज़े का है, चलो कबाब बनते देखते हैं। अब मम्मा ने एक कबाब बना रहे हैं इधर से, ये देखो पहले अंडा लगाना है, फिर लगाना है क्रम, ये देखें ये सारे लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं ये फ्राई कर कैसे होते हैं। ये देखें ये ऐसी इसकी शेप बन जाएगी, तो चलो फ्राई होते हैं फिर दिखा। मम्मा काम कर रही थी, मैंने कहा मैं हेल्प करवाता हूँ कबाब बनाने में, ये देखा मैं कबाब बना रहा हूँ, मम्मा की हेल्प कर रहा हूँ।
को आपको फ्राई करने लगे जिसका आप वेट कर रहे थे। ये देखें, ये तवे पर डाला हुआ घी, ये देखें फ्राई हो। चार या पांच रख ले तवे के ऊपर, चेक करें। ये देखें, ये कुछ क्रम के बगैर है, ये इनको सिर्फ अंडा लगा। ये मेरे भाई को पसंद है, उसके लिए अलहदा मम्मा ने बनाया। मम्मा भी मेरी बहुत मेहनत करती है। ये देखें, ये पलटा दिए हैं क्रम वाले। चलो ये बनते हैं तो आपको दिखाता हूँ। अंडे वाले कबाब भी हो चुके हैं, ये देखें अंडे वाले कबाब, और ये रहे क्रम वाले कबाब। हाय हाय हाय, मुझे तो दोनों मजे के लग रहे हैं। चलो गाइस अभी हम इसको खाते हैं। इसका हम इंतजार कर रहे थे, मैंने वो हमारे सामने बन के आ चुके हैं, ये देखो। और इसके लिए हमने मेहनत भी बहुत की है। अब इसको हम ट्राई करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये चेक करें, लजीज मज़ेदार। गाइस अगर ये आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक फॉलो शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अब चलिए बाय बाय, टाटा।